वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूं ऐसी कंपनीज के बारे में बात करना जो उस डे पे थोड़ा सा जिनमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है, बट मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करना जरूरी है बिकॉज इस कंपनी का मार्केट कैप 1,83,000 करोड़ का है एंड मैक्सिमम जो इनका पैसा है ना वो है इनके इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि अगर आप इनके सेल्स नंबर देखोगे तो वो कुछ खास है ही नहीं। दिसंबर 2023 में 414 करोड़ के सेल्स हुए, तो सेल्स नंबर नहीं है। तो हुआ क्या है बेसिकली कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इंटरेस्ट दिखाया पेटीएम का वॉलेट बिजनेस के अंदर। अब पेटीएम का वॉलेट सिर्फ वॉलेट बिजनेस नहीं है, ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। पेटीएम के पास में एक अच्छे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं, एंड अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वॉलेट को एक्वायर कर रहा है तो वो एक्वायर कर रहा है उस डेटा को जो पेटीएम के पास में है, उन यूजर्स को जो पेटीएम वॉलेट को यूज करते हैं बट अब नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैन बाय आरबीआई। तो वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको समझना, एंड एनी फाइनेंशियल बिजनेस नीड्स दिस टाइप ऑफ डेटा। अगर आपके पास में ये डेटा है जिससे आपको पता चल रहा है कि कौन से कस्टमर का स्पेंड कितना है, उसमें अगर आप एडिशनल कैशबैक्स ला सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें ला सकते हैं जिससे कस्टमर और ज्यादा आपके पास मूव होगा एंड यू विल हैव दैट डेटा कि यहाँ पे कस्टमर प्राइमरीली आया क्यों, तो आप उसे जो है बिजनेस को स्केल करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विच वी फील इज अ वेरी गुड पॉइंट। बट अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया है, सिर्फ इंटरेस्ट दिखाने पे अगर कोई स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। एक न्यूज के बेसिस पे जो कोई भी स्टॉक चल रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है लॉन्ग टर्म में बात करें तो वो एक चीज आपको समझनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे एक पैटर्न बना था, उसके बाद से जो है ट्रेंड रिवर्सल हुआ है एंड स्टॉक जो है कॉन्टिन्यूसली एक अप ट्रेंड के अंदर ही है। इनफैक्ट यहाँ से इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ये बीच में थोड़ा क्लटर कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इनफैक्ट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना एंड एक बहुत ही अच्छे लेवल के बाद में जो है क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ से एक बहुत ही इमीडिएट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से स्टॉक कहाँ तक हेड कर सकता है। देखो ऐसा कुछ जोन नहीं है बिकॉज ये इसके लिए एक ऑल टाइम हाई जोन है, इसके ऊपर जो है इसे हम लोग बेसिकली ब्लू जोन कहते हैं एंड ब्लू रिप्रेजेंट करता है स्काई को, तो स्काई में जो है कोई लिमिट नहीं होती है, तो कहीं तक भी स्टॉक जो है यहाँ से हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से पुल बैक वापस देखने को मिल जाए एंड इट फॉल्स बैक डाउन टू 262। तो ऐसे में कुछ भी कहना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट हाँ जिस तरीके की वॉल्यूम आई है, जिस तरीके का मोमेंटम आया, चांसेस हैं कि ये जो मोमेंटम है थोड़ा सा और कंटिन्यू होगा एंड 300-310 के लेवल्स इनिशियली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप मुझसे पूछोगे हम लोग के पोर्टफोलियो में भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, हम जनरली इतनी बड़ी कंपनी लेना प्रेफर नहीं करते हैं, बट हमारे पास में एक बहुत ही छोटा प्रपोर्शन है अपने पोर्टफोलियो का विच इज एलोकेटेड टू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइमरीली बिकॉज जो हम लोगों ने इनिशियली रिसर्च करी थी एंड अगर ये लोग ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप करके इंडिया के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लाते हैं, इंडिया म्यूचुअल फंड्स के लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट है एंड एक ग्रोइंग मार्केट है। आज 50 लाख करोड़ का टोटल AUM है जो कि हमें लगता है आगे और ज्यादा ग्रो कर सकता है, तो उसके अंदर सर्टनली रिलायंस एक अच्छा स्टेक बना सकता है बिकॉज रिलायंस के पास में ऑलरेडी डेटाबेस है एंड डेटा इज द गोल्ड माइन, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको समझनी है। एंड रिसेंटली जिस तरीके से रिलायंस ने एक्वायर करी थी कंपनी स्ट्रेटेजिकली, अगर हम लोग यहाँ पे हैथवे की भी बात करते तो उन्होंने अपना जो जियो का फाइबर बिजनेस है, जो जियो वाईफाई वाला बिजनेस है, उसको एक्सपैंड किया। अब ये लोग एक्सपैंड करना चाहेंगे इन बिजनेसेस को, तो आई थिंक यहाँ पे एक लॉन्जेविटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट्स व्हाई हम लोग के पास में एक छोटा सा एलोकेशन है, बड़ा एलोकेशन इसलिए नहीं है बिकॉज मार्केट साइज बहुत ज्यादा है, 1,80,000 करोड़ की तो ऑलरेडी कंपनी है। एक बार बिजनेस मॉडल क्लियर हो तो फिर थोड़ा सा रिसर्च करें एंड देखें कि क्या कर सकते हैं, बट अभी के लिए जितना है उतना ही रखा हुआ है। आप यहाँ पोजिशन बना रहे हो तो एक पुल बैक के लिए तैयार रहना किसी भी दिन आ सकता है बिकॉज मोमेंटम वाली बात हो जाती है यहाँ पे, जिस स्टॉक में वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है उसके अंदर मोमेंटम सॉलिड होता है, तो वो दोनों साइड पे हो सकता है, उसको समझकर चलना। एंड अगर स्टॉक 262 रुपए के नीचे निकलकर क्लोजिंग देता है ना तो वहां पे भी पुल बैक जो है 253 तक जा सकता है, बट इसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो फिर थोड़ा सा अटक सकता है, उसको देखकर चलना। यहाँ से इमीडिएट लेवल्स जो है 300-310 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 310 का लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ से एक बहुत ही सेफ जोन बेसिकली सिर्फ 7-8% का, अगर हम यहाँ से 10% की भी फेयर अपसाइड पकड़े तो आप देखो ऑलमोस्ट वो आता है 320 रुपए के करीब। यहाँ तक इतना मोमेंटम तो देखने को मिल सकता है, बट विद दैट सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड।
पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।